अच्छा गौर करें चार लाइन कवि का भूमिका तो चांदनी सी निशानूर वाली बनी हो चांदनी सी निशानूर वाली बनी अब पपिया सेवाती के दस्तूर से एक बेटी कुंवारी सुहागन बने ब्याह में अपने प्रीतम के सेंदूर से पाके सेंदूर बेटी है बनती दुल्हन गुलबहारों से दामन सजाती है वो छोड़ तेरे लोग का सुख चले सूल पे किंतु सेंदूर अपना बचाती है हाँ छोड़ त्रैलोक का सुख चले सूल पे किंतु सेंदूर अपना बचाती हो चाहे हिंदू की लड़की हो या मुसलमान की लड़की हो बाबू जब तक से उसके मांग में सेंदूर नहीं पड़ता है तब तक वह सुहागी नहीं होती है लेकिन गौर करें अरे जन्म देते है बेटी को माता पिता बेटी को माता पिता किंतु गैरों का घर होता गुलजार है माता पिता सिर्फ लड़कियों का जन्म देते हैं वो लड़की किसी दूसरे घर की अमानत हो जाती है तो जन्म दे बेटी को सर बाप का लटक जाता जन्म दे बेटी को सर बाप का लटक जाता इज्जत का सेहरा गैरों के घर में अटक जाता जिसे बेटी देना भगवान उसे धन देना गरीबों को बेटी के बदले तो मरण देना आजकल दई जाओ दहेज की बीमारी है पुराने रीति रिवाजों से अकल मारी अरे जिला नालंदा गवड़ बस का है बयान सही जून 26-84 सन का है दस्तान सही जिला नालंदा गांव का नाम अड़बस एक रईस साहब के घर बारात आई भैया थोड़ा शांति ता गांव का नाम अड़बस एक रईस साहब के घर बारात आई रईस साहब पहले अमीर थे लेकिन बाद में गरीब हो गए आज अब गरीब हो गए तो इनके दरवाजे जब बारात पहुंची तो बारातियों को पानी वानी पिला करके जनवासे में भेज दिए आज अब जनवासे में भेज दिए तो इधर सखी सब दुल्हन को सजा रही है और दुल्हन बना रही और मजाक कर रही कि सखी अगर तुम अपने प्रीतम के घर जाओगी तो हम लोगों को भूल जाओगी ना लेकिन कहे कैसे मास्टर कहो तो नहाते हो भला अरे चेहरा बना के अरे चेहरा बना के मेहंदी लगा के सिंदूर सजा के जई हो ना अरे चेहरा बना के मेहंदी लगा के सिंदूर सजा के जई हो ना अरे पिया को पाके पीत लगा के हमें भुला के जियो ना पिया को पाके
जवानी को, अरे भूल न जाना प्यारी हो सखियों की प्रीत पुरानी को। अरे झुमका सजा के झुमका सजा के पायल बजा के बलमा को तरसई हो ना। अरे झुमका सजा के पायल बजा के बलमा को तरसई हो ना। पिया को पाके प्रीत लगा के हमें भुला हो ना। दुल्हन तो सेंदूर का इंतजार कर रही है और लड़की का पिता जाता है जन्माष्टमी में, लड़के के पिता से कहता भाई साहब अब चलिए मड़वा की तैयारी हो गई है, अब मड़वा की सब कुछ तैयारी हो गई, अब केवल आप अभी तो हमारे ससुर ना भेजिया, अभी तुहरे लड़की के मांग में सिंदूर पहनवले ना है सुना। अरे मगर चला होने विवाह तब, अरे मगर चला होने विवाह तब दुल्हा बोला बात बिखर, अरे मोटरसाइकिल दो मुझको तब जाऊं मड़वा के अंदर। अरे महादुखी हो ससुर जी बोले, अरे महादुखी हो ससुर जी बोले बेटा ले लो कन्या दान, मांग पूरा कर सकता हूँ बिक जाएगा खेत मकान। लड़कवा कहे कि जो आप वादा किए हैं पहले मुझे मोटरसाइकिल दिखा लीजिए तब हम लोग मड़वा में जाएंगे। लड़की के पिता रोके कह रहा कि बेटा अगर मैं तुम्हारी मांग पूरा करूं तो मेरे पास थोड़ा खेत मकान है बिक जाएगा। लड़कवा कहे चाहे तो यार खेत मकान बिक जाए चाहे तू बिक जा, लेकिन मुझे केवल मोटरसाइकिल चाहिए, अगर आप मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो आपकी बनी बनाई इज्जत हम लोग यहाँ से माटी मिला करके जाएंगे। लेकिन कहे कैसे भैया चौकी पर हल्ला ना हो, आपकी बनी बनाई इज्जत हम लोग माटी में मिला करके जाएंगे। लेकिन लड़कवा कहे कैसे हो, चला वही अरे दुल्हा बोला कि अरे मोरे बाबू, अरे दुल्हा बोला कि वापस जाई मोर बरतिया हो इज्जतिया तोहर माटी मिलई बना। लेकिन माने ना बात बराती भैया ए ए टक्कर ने लागा मनावन घराती, लेकिन माने ना बात बराती दुख से फटे ससुर के छाती बेटी कारण लाज लुटाती। वापस जाई बरतिया बिगड़ी, वापस जाई बरतिया बिगड़ी तीस मातिया हो दतिया तोहर पाती मिली मेरी बारात वापस जाएगी। हम लोग मड़वा में नहीं जाएंगे जब से कि मोटरसाइकिल ना देखा ले बा तब तक हमन मड़वा में न जाओ। एवं जमाना का हो चाहे भलहू एक जिला गायब हो तो का करी, भलहू एक ठो गोड़ घिसरा के चलत हो तो का करी,
लेकिन आजकल का रवाज ही हो गई है। एक ठे मेरे रामदेव भाई कहें कि इंटरलिंग बस जाएगी, हम लोग मड़वा में नहीं जाएंगे। इधर तो लड़की के पिता से और लड़के के पिता सरबर हो रहा है बाबू, लेकिन उधर दुल्हन को सखी लोग दुल्हन बना रही हैं। आज जब लड़कियां सुनलस तो रो रो के कह रही है कि मेरी वजह से मेरे पिता का समाज में कोई कदर नहीं है, अगर मैं न होती तो मेरे पिता भी समाज में छाती उतान करके चलते। लेकिन रो रही है बाबू, कैसे रो रही, तर्ज एक बात, अरे गाना कराई पिया घर बैठवले, अरे अपन कैलरिया में लागल रे निरमोही दगा देके, अरे निरमोही दगा देके, अब भागल रे निरमोही दगा देके। लेकिन लड़की रो रही बाबू, इसी तर्ज में कैसे रोए हो, अरे सुनाता बचनिया राणा महारानिया, अब आशा का तारा टूटल रे निरमोहिया करमवा, अरे निरमोहिया करमवा, अब फूटल रे निरमोहिया करमवा। अरे दुख से दुल्हन की फटन लागी छाती, मेरे कारण कुल की इज्जत लुटाती, अरे राणा मतरिया का धरा कवरिया, अरे जीवन का महिया टूटल रे मेरा महिया करना। सोच रही कि मेरी वजह से मेरे पिता कोई कदर नहीं, आओहर मनाओ तो मनाओ, सवेरा हो गई ले बाबू, न लड़का मानता है न लड़के का बाप मानता है, तनी लड़कवा लड़कवा का बपोर तनी कम बोले, लेकिन बरतिया सब ज्यादा बोले। आन के मड़वा में सब बड़के बारा खोजेला बाबू, आ जब अपने पड़ जाला तो जैसे कुकुरा पछिया चुरावन हो इसे चुरावे के पड़ जाला। देखा भैया वहां का हो तो भाई, मनाते मनाते कोई नहीं मानता है, मन मतंग लड़की का बाप, अरे छूटी सारी आशा, अरे नैना लाल बिकराल हाथ में लेकर चला गया। लड़की का पिता रोता हुआ हाथ में गवासा लेता है और चल देता है, कहता है करे समाज के ठेकेदारों, आए समाज के ठेकेदारों, क्या गरीब हो उसके लड़की का शादी नहीं हो सकता है। लेकिन लड़की का पिता कहता है बाबू कैसे, अरे सरे आम लूटल जाले, अब मोर पनिया यही गरीबी में, अरे बेटी बन के जन्म लबाए नगिनिया यही गरीबी में, बेटी बन के जन्म लबाए नगिनिया यही गरीबी में। अरे कन्या दान के बदले करबे कन्या के बलिदानवा हो, अरे लेके गड़ा सा बेटी के तब काटन चले गर्दनवा हो, अरे रो के बेटी बोलल तब बचनिया यही गरीबी में, यही लायक भैली हम पपिनिया यही गरीबी। लड़की का पिता लेकर के गणासा बाबू पहुंच जाता है लड़की कोठरी में। आज अब लड़की देखती है तो हाथ जोड़ कहती बाबूजी ठीक हो, मैं इसी लायक आपके घर में जन्म ली हूं कि मेरी वजह से आपका समाज में कोई कदर ना हो, तो बाबूजी मेरी मूड़ी काट लीजिए, मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन एक मांगन हमारा, कहे का, तो कहे डोली चढ़ा के बाबूजी ना कर सके विदाई हो, अरे लेकिन करना विदा पिताजी आरती मोर सजाई। बाबूजी ऐसा करिया कि जब हमारी मूड़ी कट जाए तो मुझे सुहागन बना करके डोली में बैठा दीजिएगा, इसलिए कि दुनिया जान गई है कि आज आपके दरवाजे बारात आई हुई है, मेरी इज्जत उसके साथ बिक चुकी है, तो कम से कम हमारे आरतियों के दरवाजे तक पहुंच जाए के चाहिए। अरे इतना कहते कट गई गर्दनिया यही गरीबी में, अरे बनी सुहागन मर के वो दुल्हनिया यही गरीबी में।
आप लोग बहुत दहेज प्रथा गाना सुने होंगे, बहुत दहेज प्रथा गाना सुने होंगे कि लड़की ससुराल जाने के बाद जला दी गई, या जहर दे दिया गया इसके, या ढाठी दे दिया गया उसको, मार दिया गया वो ससुराल जाने के बाद ही। लेकिन यह सब कुछ वही डरिए काम तमाम हो जाता बाबू, लड़की का पिता जो है लड़की का मुड़ी काट लेता है और काट करके एक थाल में रख करके ऊपर से कपड़ा से ढक देता है और ढक करके ले करके चल रहा है और दिखा रहा है कि समाज के ठेकेदारों देख लो ये दहेज के कारण लड़कियों का खून बह रहा है। लेकिन कैसे कहे अरे जवन बाबू रहले देवे खातिर कन्या दानावा होई के विवश कैले कन्या बलिदान अरे बिटिया कलशिया निहार महातरिया दुखित पति से बोली बतिया हो सुजा। लड़की की माँ अपने लड़की की लाश देख रही है तो अपने पति से रो रो के कह रही कि पति देव आज से मैं जान गई कि तुम्हारे पास जितना धन दौलत खजाना हो सब बच जाए, काहे से कि आपने अपने हाथ से अपने लड़की की मुड़ी काट दिया है। अच्छा ये बड़े भैया अरे अपने हाथ ले इलहला बेटी का परा अरे बोला है पति जेकर बिहारे करे जावा अरे कैसे अब दे मैं हम नहीं जाओ महा। अच्छा ये तुम्ही बताओ कि आज आयल बटन खबर हमके मोटरसाइकिल चाहिए, आज कल कोई आवे तो कहे मुझे घड़ी रेडियो साइकिल चाहिए, परसों कोई आवे तो कहे हमके 5,000 या 10,000 रुपया चाहिए, तो यहाँ तो घर में खाने का ठिकाना नहीं, पास में एक पैसा नहीं है, तो मैं कितना बराती द्वारे से वापस करता, इसलिए कि सगरो झगड़ा खत्म हो गई। अरे सगरो झगड़ा खत्म हो गई अरे बिटिया का सिर बाप ले चला सुजा अरे दुल्हा के आगे रखे बाबू का गुड़िया कि दुखी तो ससुर जी बोले बतिया सुजा। दुल्हा के आगे रखें बबुई कमुड़िया की दुखी तो ससुर जी बोले बतिया, उसी तरह से थाल में रख करके बाबू कपड़ा से ढक करके आले जाकर के लड़की का पिता दुल्हा के आगे रख देता, कहता बेटा तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए ना, ये रही तुम्हारी मोटरसाइकिल ले जाओ इसको। बरतिया सब बड़ा खुश भैलन दुल्हावा के खोदे की ला बच्चू अगर हमें तो हमने इतना सेट ना लगाओल गए तो मिलत ना मोटरसाइकिल ला ही मोटरसाइकिल का रुपया आई है हरिया में रख के। अब लाए के उठावा ए भैया जब वो लड़का थाल पर से कपड़ा हटाता है जब उस लड़की का मुड़ी देखता है तो कलेजा पीट के गिर जाता है, सोचता है कि भगवान अगर कदापि इस लड़की को पहले में देखा होता तो बल्कि 10,000 रुपया देके हम शादी कर लेते, लेकिन ई नौबत ना आवत हो। लड़का छाती पीट रहा है लेकिन लड़की का पिता कहे बेटा सुना एक बात अंतिम बात कह रहा है बहु कैसे अरे हम नहीं देबे अरे हम नहीं देबे मोटर साइकिल हीरा तलेला अरे लेला दहेज में निशनिया बेटी का सिरा हम ना ही देबे मोटरसाइकिल हीरवा लेला दहेज में निशनिया बेटी का सिरा अरे जिस लड़की कारण मैंने तुमको अरे हरदम शीशा झुका अरे मगर बेशरम तुझको अरे तनिकर हम ना आया तो लुटेला सभा में मोरा पनिया बेटी के अरे जिस लड़की को दुल्हन बना के अरे करता सुबह विदाई अरे दहेज कारण उसका सर तुझे काट
दिया लगाई छूटल सारी परेशानियां बेटी के। ले जाओ इसको, ले जाओ ये तुम्हारी मोटरसाइकिल। लेकिन बाबू वही में से क्यों फूट गई है? गांव वाला कोई फूट गया पहुंचा कहां? राजगीर थाने पे जाके अरे सारी बात बतलाए। अरे 20 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए, तब पुलिस दरोगा आए कि दोनों समधि भी सैलानिया बेटी के। 22 आदमी गिरफ्तार हुए, 20 को बराती लड़की का बाप और लड़के का बाप, 22 आदमी गिरफ्तार हुए, लेकिन अंत में बचा कौन? अरे जिस दूल्हे के हाथ बधा था, अरे कंगन शादी वाला, अरे जिस दूल्हे के हाथ बधा था, अरे कंगन शादी वाला, अरे उसी हाथ में लोहे का, अरे हथकड़ी पुलिस ने डाला था भैली, अरे भैली बाबुआ का चलनिया बेटी का सिरा। अरे बच गई ना धर्म रसीला, अरे कवि कैसा कहे कवि चंद्रिका उपवन से उपवन खीला हो, अरे सिंदूरवा के जो है दुलही तो गाते मुस्तफा अमृत भैले जहरवा, सिंदूरवा के जो है दुलही।